अलायंस, इंडिया अलायंस के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार हैं, फाउंडर हैं। ये जो अभी 5 राज्यों का चुनाव है, कांग्रेस के लोग उसमें व्यस्त हैं और जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद फिर इस पर बातचीत। तो सारण मुख्य नहर जो है गोपालगंज सिवान छपरा के उसमें आता है, वो जितना पानी हम लोगों को लेना चाहिए उतना नहीं ले पाते थे कि ऊपर के रीच में कनाल लाइनिंग नहीं था। हाँ, तो अब जो हम लोग काम करवा रहे हैं उसके 10 किलोमीटर में हम लाइनिंग कराएंगे, 300 करोड़ से ऊपर का काम। तो पूरा सारण प्रमंडल में आपको सिंचाई का पानी अंतिम छोर तक पहुँच जाए। तो मुख्यमंत्री जी की जो परम ये है कि हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुँच जाए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट करीब करीब 8,500 क्यूसेक पानी हम लोग को मिलता है, ले पाते थे 3,500, ये बनने से पूरा का पूरा पानी पहुँच गया। इसी तरह हम लोग को लगता है कि हम लोग पटना में भी कर रहे हैं मेजर का, आपको सोन नहर वहाँ भी 10 किलोमीटर का हम लोग कर रहे हैं, जिससे आपको पूरा आपको औरंगाबाद पटना मानी बेटा विक्रम नौबतपुर दुल्हिन बाजार अरवल चकारी कोच गया जिला का, उसके बाद आपको बारून औरंगाबाद गो रफीगंज ओबरा दाऊद नगर औरंगाबाद जिला का, इसमें भी आज ये भी एक मेजर डिसीजन हुआ है, यहाँ भी ऊपर के बीच में लाइनिंग हम लोग करा रहे हैं 10 किलोमीटर, ये भी लगभग उतना ही अमाउंट है। और उसी तरह कर्मनासा लिंक है, उसमें भी जो उत्तर प्रदेश से बिहार में इन करता है उसमें भी मेजर काम हम लोग करा रहे हैं 56 करोड़ के आसपास। और फिर बख्तियारपुर में जो गंगा चैनल हम लोगों ने बनाया तो उसको पूरा हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, और पूरा वहाँ सीढ़ी से लेके पर्यटन के दृष्टि तो फ्लड फाइटिंग भी होगा, पानी वहाँ पर गंगा जी आ रही है, और पूरा वहाँ पर्यटन का एक नया रूप बख्तियारपुर में देखें। ये 3-4 आज और कुछ उत्तर बिहार का प्रोजेक्ट था जो कमला बलान है, उसका लास्ट फेज हम लोगों ने ले लिया, 2 फेज चल रहा है। अब कमला बलान का पूरा नेपाल से लेकर के जो अंतिम छोर है कुशेश्वर स्थान तक पूरा जैकेटिंग हो जाएगा और पूरा उस पर रोड बन जाएगा। ये ऐतिहासिक काम उत्तर बिहार के कमला बलान में हर एक बार 10 जगह टूटता था, तो ये एक काम आज वहाँ पर। जल संसाधन से आज मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में बहुत सारा प्रोजेक्ट आज टेकअप हुआ है जो लिया गया। ये सारे प्रोजेक्ट्स से मुझे लगता है आने वाले टाइम डिटेल हम लोग शेयर कर देंगे। तो हुआ कल मुख्यमंत्री जी तो आर्किटेक्ट है ना भाई, इस अलायंस के, इस अलायंस इंडिया अलायंस के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार है, फाउंडर है, बेस उन्होंने बनाया इस अलायंस का, वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। अगर उनको लगेगा कुछ तो बोलेंगे, लेकिन उनका बोलने का मतलब यही था कि ये जो अभी 5 राज्यों का चुनाव है कांग्रेस के लोग उसमें व्यस्त हैं और जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद फिर इस पर बातचीत होगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें, ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।